नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल द नवलगढ़ स्टेशन पे। दोस्तों आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है इंदौर से जयपुर वाया अजमेर ट्रेन की जानकारी। और दोस्तों इस वीडियो की रिक्वेस्ट की है अखलाक खान ने। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर से दबा लें ताकि चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं इंदौर जयपुर लिंक वाया अजमेर ट्रेन की, जिसका ट्रेन नंबर है 59307। और दोस्तों इस ट्रेन का संचालन पश्चिमी रेलवे करता है और यह मेलवा एक्सप्रेस टाइप की ट्रेन है जो कि इंदौर से जयपुर के बीच रोजाना चलती है। और बात करें इसके ट्रेवल टाइम की तो इंदौर जंक्शन से जयपुर जंक्शन तक की टोटल डिस्टेंस 686 किलोमीटर को 15 घंटे और 30 मिनट में तय करती है और इस ट्रेन की एवरेज स्पीड रहती है 44 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोस्तों इस ट्रेन का इंदौर से जयपुर के बीच 32 स्टेशनों पर ठहराव रहता है। और वही बात करें दोस्तों इस ट्रेन में लगने वाले लोकोमोटिव की तो इस ट्रेन को इंदौर से रतलाम तक वडोदरा लोको सेट का WAP-4E इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव लेकर जाता है और रतलाम से जयपुर तक भगत की कोठी लोको सेट का WDP-4 या WDP-4D डीजल लोकोमोटिव लेकर जाता है। दोस्तों बात करें अगर इस ट्रेन में कोचेज की तो दोस्तों इस ट्रेन में नॉर्मल ICF श्रेणी के कोच लगते हैं जिनमें थर्ड AC का एक कोच, स्लीपर क्लास के 3 कोच, साधारण श्रेणी के 3 कोच और एक SLR के कोच को मिलाकर कुल 8 कोच रहते हैं जो उज्जैन जंक्शन पर ट्रेन नंबर 19712 भोपाल जयपुर एक्सप्रेस के साथ जुड़कर जयपुर तक जाते हैं। और दोस्तों यह ट्रेन इंदौर से उज्जैन के बीच पैसेंजर के रूप में चलती है। और दोस्तों बात करें अगर इस ट्रेन के किराए की तो इंदौर से जयपुर तक इस ट्रेन का थर्ड AC है 995 रुपये, स्लीपर का किराया 365 रुपये, साधारण श्रेणी का किराया 194 रुपये रहता है। दोस्तों यह अपडेटेड ट्रेन ही है इसलिए किराए की ज़्यादा जानकारी के लिए रेलवे टिकट काउंटर से अपडेटेड किराया चेक अवश्य लें। तो चलिए दोस्तों देखते हैं इस ट्रेन का किन किन स्टेशनों पर ठहराव रहता है और इस ट्रेन का टाइम टेबल क्या रहता है। दोस्तों ट्रेन नंबर 59307 इंदौर जयपुर लिंक एक्सप्रेस जो कि वाया अजमेर चलती है हर दिन शाम में 6 बजे इंदौर जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से रवाना होती है और यहां से रवाना होकर यह ट्रेन पहुंचती है लक्ष्मीबाई नगर शाम में 6:08 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 6:09 पे यहां से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है मंगलिया गाँव 6:23 और 1 मिनट ठहराव के बाद 6:24 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है बरलाई 6:34 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 6:35 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है देवास 6:57 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 6:58 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेज है नरंजीपुर 7:08 पे यहाँ पहुँचती है और 1 मिनट ठहराव के बाद 7:09 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है उंदासा माधोपुर 7:15 पे और करीबन 1 मिनट ठहराव के बाद 7:16 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है अगले स्टॉपेज करछा 7:24 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 7:25 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है विक्रम नगर 7:36 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 7:37 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है उज्जैन जंक्शन शाम में 7:55 पे और करीबन 35 मिनट ठहराव के बाद रात में 8:30 पे यहाँ से रवाना होती है। दोस्तों यह ट्रेन उज्जैन जंक्शन से ट्रेन नंबर 19712 भोपाल जयपुर के साथ लिंक होकर जयपुर तक जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है नागदा जंक्शन 9:22 पे और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 9:27 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है खचरौत 9:38 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 9:40 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है रात में 10:20 पे रतलाम जंक्शन और करीबन 20 मिनट ठहराव के बाद 10:40 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। दोस्तों रतलाम जंक्शन पे इस ट्रेन का लोकोमोटिव चेंज होता है इलेक्ट्रिक से डीजल और लोकोमोटिव रेक रिवर्सल होता है और ट्रेन रिवर्स डायरेक्शन में आ जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुंचती है जावरा 11:28 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 11:30 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है मंदसौर रात में 12:08 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 12:10 पे यहाँ से रवाना हो जाती है।
इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुंचती है पीपलिया 12:27 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 12:29 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों इस ट्रेन का अगला स्टॉपेजन नीमच 1:15 पे यहाँ पहुँचती है और 2 मिनट ठहराव के बाद 1:17 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है निम्बाहेड़ा 1:48 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 1:50 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों रात में 2:40 पे ये ट्रेन पहुँचती है चित्तौड़गढ़ जंक्शन और करीबन 10 मिनट ठहराव के बाद 2:50 पे चित्तौड़गढ़ जंक्शन से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है चंदेरिया 3:15 पे और 7 मिनट ठहराव के बाद 3:22 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों सुबह में 4:12 पे ये ट्रेन पहुँचती है भीलवाड़ा और करीबन 5 मिनट ठहराव के बाद 4:17 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है अगले स्टॉपेज विजयनगर 5:06 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 5:08 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है अगले स्टॉपेज नसीराबाद 5:46 पे और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 5:48 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों सुबह में 6:40 पे ये ट्रेन पहुँचती है अजमेर जंक्शन और करीबन 15 मिनट ठहराव के बाद 6:55 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। अजमेर जंक्शन से रवाना होकर दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है मदार जंक्शन 7:11 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 7:12 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है किशनगढ़ 7:26 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 7:28 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है तिलोनिया 7:40 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 7:41 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है अगले स्टॉपेज नरेना 8:02 पे और 1 मिनट ठहराव के बाद 8:03 पे ये ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों सुबह में 8:18 पे ये ट्रेन पहुँचती है फुलेरा जंक्शन और 2 मिनट ठहराव के बाद 8:20 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है हिरनौदा 8:26 पे और 3 मिनट ठहराव के बाद 8:29 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है असलपुर जोबनेर 8:36 पे और 2 मिनट ठहराव के बाद 8:38 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है अपने सेकंड लास्ट स्टॉपेज कनकपुरा 8:57 पे और करीबन 2 मिनट ठहराव के बाद 8:59 पे यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद दोस्तों ये ट्रेन पहुँचती है अपने लास्ट स्टॉपेज जयपुर जंक्शन 9:30 पे और यहाँ तक 686 किलोमीटर की यात्रा पूरी कर लेती है। तो दोस्तों ये थी 59307 इंदौर जयपुर वाया अजमेर ट्रेन की जानकारी। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक व शेयर करना नहीं भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।